हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम बनाएंगे अंबाड़े की सब्जी के साथ राइस। बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। पहले हमको कच्चा नारियल लेना है, इसको अच्छे से पीस लेंगे, ग्राइंडिंग कर लेंगे। चलिए अभी इसमें 1 गिलास गरम पानी डालना है। डाल के अच्छा से इसको, ये कोकोनट मिल्क को निकालना पड़ेगा। अगर आपके पास कॉटन कपड़ा है उसके साथ भी निकाल सकते हैं, छलनी है तो छलनी के साथ भी निकाल सकते हैं। अभी पूरा ये कोकोनट मिल्क निकाल देंगे। अभी एक पैन में ऑयल डाल के सोयाबीन को फ्राई करना है, और उसके बाद कटा हुआ आलू भी है उसको भी फ्राई करना है। अभी गैस पे एक बर्तन रख के उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के, कटा हुआ प्याज थोड़ा सा डाल के, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डाल के इसको अच्छे से फ्राई करना है। हरी मिर्च 1-2 काट के डालना है। इसको ब्राउन कलर आने तक थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देखिए ब्राउन कलर आ गया। इसमें हम थोड़ा सा पुदीना, 1 टमाटर, 1 अदरक लहसुन पेस्ट, 1 स्पून, छोटा स्पून, एक छोटा स्पून हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, इसको अच्छे से मिला देंगे। जो धो के रखे थे अंबाड़े की सब्जी उसको डाल देना है इसमें। इसको भी अच्छे से मिला के थोड़ी देर के लिए सब्जी पकने तक छोड़ देना है इसको। इसको अच्छे से मिला के अभी जो फ्राई करके रखे थे सोयाबीन और आलू इसको डाल के इसको भी अच्छे से मिलाना है।
अभी धो के रखे थे राइस उसको भी इसमें डाल देंगे। चलिए अभी हम इसमें एक ग्लास राइस ली में एक ग्लास कोकोनट मिल्क डाल रही हूँ, एक ग्लास वाटर डाल रही हूँ। अगर चाहिए तो आप कोकोनट मिल्क दो ग्लास भी डाल सकते हैं। अभी वेजिटेबल के हिसाब से थोड़ा सा पानी डालिए। थोड़ा सा पानी डालेंगे, वेजिटेबल्स भी है ना वो भी पकना है। तो चलिए इसको हाई फ्लेम में थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे बिना ढके। उसके बाद धीमी आंच में इसको थोड़ी देर ढक के रखना है। देखिए एक उबाला आ गया, एक उबाला आते ही इसको धीमी आंच में करके थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। बीच बीच में चेक करते रहिए बना कि नहीं बना बोल के। हाँ फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा राइस बन गया, स्वादिष्ट है। तो आप भी घर में ये रेसिपी ट्राई करिए, आशा कर रही हूँ आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स में बोलिए कैसा बना है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।